अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर्ल ब्यूटी। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। खूबसूरत चेहरा हज़ारों के मजमे में दूर से ही दिखाई देता है, इसलिए आज मैं आप लोगों को ऐसा चेहरा हासिल करने का एक ज़बरदस्त कुदरती नुस्खा बताऊंगी। एलोवेरा को आप इस तरह इस्तेमाल करें कि आपके हाथ और पाँव, चेहरा, गर्दन चमक उठे। इस रेमेडी की बदौलत आपकी स्किन शीशे की तरह चमकने लगेगी। आजमाइश शर्त है। इससे पहले कि मैं आपको एलोवेरा की इस ख़ास रेमेडी के बारे में बताऊं, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। जी, एलोवेरा की ये ख़ास स्किन रेमेडी बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने शीशे की साफ़ प्याली ले लेनी है। कोई भी साफ़ प्याली आपने ले लें और इसमें सबसे पहले आपने एलोवेरा जेल ऐड करनी है। एलोवेरा जेल अगर आपके पास एलोवेरा का पौधा मौजूद हो, इसका गूदा निकाल लें, लेकिन वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था। मैंने मार्केट की जेल ही यूज़ की है। ये एक चम्मच आपने लेना है एलोवेरा जेल का। एलोवेरा जेल का एक चम्मच आपने इसमें ऐड कर लेना है। एक चम्मच एलोवेरा जेल आपने इसमें ऐड करनी है। एलोवेरा जेल इसके साथ साथ आप एलोवेरा जेल जो है वो इसको खूबसूरती का पौधा भी कहा जाता है। इसके इस्तेमाल से आपकी खूबसूरती और रानाई में इजाफा होगा। इसको यूज़ करने से सांवला रंग तेज़ी से साफ हो जाता है। सेकंड आपने इसमें लेना है अर्के गुलाब हमने इसमें ऐड करना है। अर्के गुलाब हमने आधा छोटा चम्मच लेना है। अर्के गुलाब हमने अब इसमें ऐड कर लेना है। ये मैंने इसमें डाला है। अर्के गुलाब को स्किन स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। ये आपकी स्किन की गहराई से सफाई करके बेदाग, साफ, शफाफ और गोरी चिकनी बनाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे खालिस कच्चा ठंडा दूध। ये बॉईल नहीं करना, ज़रा सी देर आपने इसको फ्रिज में रख लेना है इस दूध को, और जब ये ठंडा हो जाए तो आपने इसका भी आधा छोटा चम्मच ही लेना है। अब हमने इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही आपके पास थिक पेस्ट बनेगा इसका। अगर आप चाहें तो इसमें एलोवेरा जेल और ऐड कर सकती हैं। बहुत ही अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। इसमें कच्चा दूध, जैसा कि दिल को आपको पता है, दिल को गोरी और नरम मुलायम करता है। ये आपकी स्किन पर क्लींजिंग के तौर पर वर्क करेगा, आपकी स्किन की गहराई से सफाई करेगा। और अब आप इसकी मदद से ये तमाम चीज़ें हमने जब ऐड की हैं तो ये हमारे पास एक क्रीम की शक्ल में हमारे पास ये आ गया है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। बहुत ही अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये देखें, एलोवेरा की जो ख़ास रेमेडी है वो तैयार हो गई है। मैं आपको इसका तरीका इस्तेमाल बताती हूँ। एलोवेरा और अर्के गुलाब से बनी इस खास रेमेडी को अप्लाई करने का तरीका ये है कि आप अपने हाथ, पांव, गर्दन, चेहरा को अच्छी तरह से किसी भी ब्यूटी शॉप से वॉश कर लें और ड्राई कर लें। इसके बाद ब्रश की मदद से इस मिक्सचर को अपनी स्किन पर अप्लाई करें। ब्रश की मदद से अपनी स्किन पर हमें इसको अप्लाई करना है।
इसको नीचे से ऊपर की रुख पे लेके जाना है, नीचे से ऊपर की रुख में इसको आपने लगाना है और बहुत अच्छे से लगाना है ताकि ये हमारी जो स्किन है इसमें ये जज्ब हो जाए। हमारी स्किन में अच्छी तरह से जज्ब हो जाए इसको हमने तकरीबन 20 मिनट तक लगा रहने देना है। इसके बाद अपनी स्किन को सादा पानी से वॉश कर लें। इसके 2 से 3 घंटे बाद आप साबुन का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। आप देखेंगी कि एक मरतबा के इस्तेमाल से ही आपकी स्किन चमकना स्टार्ट हो गई है। इस रेमेडी को हफ्ते में 1 या 2 बार ज़रूर इस्तेमाल करें, आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे जी। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।